लास्ट हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशल एक सिस्टम रखा हुआ है, डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर मुश्तमिल है, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंडुलर सिस्टम है जो सीक्रेट करता है हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के अंदर, फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये हार्मोन्स हमारे टारगेट सेल तक जाते हैं और उन टारगेट सेल को काम करने के लिए कहते हैं, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारे सेल इंस्ट्रक्शन के बिना पे काम करते हैं, जब उनको बताया जाता है कि आपको ये काम करना है तो वो काम करते हैं, ये काम करना है ये बताने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वो कहता है कि आप काम करें। आप काम करें तो हर सेल को पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसको मुझे अगर कोई कहेगा आप क्लास में जाए पढ़ा है तो मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाने आऊंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसी तरीके से डॉक्टर को जो है वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है कि आप इंजीनियरिंग वाला काम करें, आप उसको कहेंगे आप काम करें तो वो डॉक्टर अपना काम करेगा। इसी तरीके से हर पंखे को हम जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि बल्ब की तरह जलो, ऐसे जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि जब भी आप पंखे को इंस्ट्रक्शन देंगे तो पंखा अपना काम चलने का करेगा। क्लियर है? तो हमारे बॉडी के अंदर लिवर के सेल क्या काम करेंगे पता है आपको, हमारे किडनी के सेल क्या काम करेंगे पता है आपको, स्टमक के अंदर कुछ अगर इंस्ट्रक्शन आती है तो स्टमक क्या करेगा पता है आपको। तो इसी तरीके से लेकिन उसको बताना है आपको, दो तरीकों से काम लेना है, मतलब आपको Recording in progress. एक तो आपको ये कहना है कि आप काम करें, दूसरा ये कहना है कि आप काम स्टॉप करें, दो तरीके। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन से दो तरीके के मैसेजेस आते हैं हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को कि आप काम करें, आप काम स्टॉप करें, आप काम स्टार्ट करें, काम स्टॉप करें, ये दो तरीके के मैसेजेस हमेशा हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और इसी तरीके से हमारी बॉडी रेगुलेट होती है। वो तो इसका इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि इससे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट हो रही है, इससे हमारी बॉडी मिलकर काम कर रही है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल के थ्रू हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन का होना। तो ये एक पेचीदा प्रोग्राम ह्यूमन के अंदर है, इसके अंदर भी काफी सारे सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं तो उनको हम देखते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्राइमरी तौर पे कौन कौन से हैं जो प्राइमरी लेवल पे काम करते हैं, उनके अंदर लिस्ट हमने पढ़ी थी, ये सारे पोजीशंस हैं जहाँ पे वो लोकेट होते हैं। अब इनको जनरल लेवल पे पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस वैसे तो आपने पढ़ा है न्यूरल पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर कहता है कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड, ये पार्ट है फोर ब्रेन का, डायन्सेफलॉन में आता है और ये कनेक्शन बनाता है किसमें, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में, और द हाइपोथैलेमस कंटेन स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस इस एरिया को हम कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस जो है इसके अंदर ये, क्योंकि हमें एंडोक्राइन तौर पे समझना है तो हाइपोथैलेमस कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में दो तरीके के क्या होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, और इसमें एक होता है रिलीजिंग कैटेगरी हार्मोन की और दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो ये के व्हिच स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। असल में हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस को
यानी कि पावर दिया गया है कि ये चेक एंड बैलेंस करे, पूरे हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन का चेक एंड बैलेंस का ठेका हाइपोथैलेमस को दिया हुआ है। तो इस हवाले से इसके अंदर में एक असिस्टेंट रहता है, इसको फॉलोअर्स के हवाले से देखा जाए तो इसके अंडर में एक कंट्रोलर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली इस हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है बाय फंडिबुलम, और इसी तरीके से इनफंडिबुलम एक कनेक्शन लिंक होता है बीच में जिनके साथ ये कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन उसको देगा असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट आगे सारी इंस्ट्रक्शन बाकी को देगा। हमारे बॉडी के अंदर बाकी ग्लैंड्स पूरी जगह पे पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, उन सारा का कंट्रोल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल किसके पास है? हाइपोथैलेमस। और इसी तरीके से ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो कैटेगरीज हैं ये। अब इसमें हार्मोन की तादाद या हार्मोन का नंबर अलग अलग है, लेकिन ये दो कैटेगरीज हैं। रिलीजिंग हार्मोन जब भी रिलीज करेगा तो इसका मतलब है कि ये ब्रेन चाहता है, हाइपोथैलेमस चाहता है कि ये काम होना चाहिए, ये काम स्टार्ट होना चाहिए, ये इस काम को करवाया जाए। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड समझ आएगा कि ये काम करवाना है। और जब इनहिबिटरी हार्मोन आए तो इसका मतलब है कि अब ब्रेन ये चाहता है कि काम को बस कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये दो कैटेगरी वाले हार्मोन्स रिलीज करता है न्यूरो सीक्रेटरी स्पेशल सेल के जरिए। न्यूरॉन जो सीक्रेशन करे हार्मोन, न्यूरो सीक्रेटरी न्यूरॉन जो सीक्रेट करे हार्मोन उनको हम कहेंगे न्यूरो सीक्रेटरी सेल। और ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी कैटेगरीज हैं जो एंटागोनिस्टिक हैं जब काम के हवाले से देखा जाए तो। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस टू हार्मोन्स व्हिच आर ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम ADHP कहते हैं चार्ट में। ऑक्सीटोसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन ये दो और हार्मोन है, ये फंक्शनल हार्मोन है, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, ये दोनों स्टिमुलेटिंग कैटेगरीज हैं। इसमें हार्मोन के नाम अभी नहीं बताए गए आपको, सिर्फ कैटेगरीज हैं। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें काम करवाने के लिए जो है वो स्टिमुलेट किया जाए, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें इनहिबिट करने के लिए काम को स्टॉप करवाया जाए, और इसी तरीके से इन कैटेगरी के अंदर हार्मोन वो होंगे जो स्टिमुलेटेंट कहलाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी हमारा हाइपोथैलेमस तो स्पेशल हार्मोन भी बनाता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन काम करते हैं यानी कि ये टारगेट एरियाज पे जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये बनाता ये है। तो ये बनाने के बाद ये थोड़ी देर के लिए स्टोर भी होते हैं और ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करके रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टोर करके रखता है। बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। दीज टू हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ लोकेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उस पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर किए जाते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस से बनकर यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, ये इसका पोस्टीरियर लोब है। तो ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल है, देख रहे हैं आप, न्यूरॉन के सीक्रेटिंग सेल होते हैं। और इसी तरीके से ये न्यूरॉन सीक्रेटिंग एक तो इससे होते हैं जिनमें दो तरीके के रिलीजिंग और इनहिबिटरी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, और दूसरे एक ऑक्सीटोसिन बनाने वाला, एक एडीएच बनाने का। ये जो चार कैटेगरी आप देख रहे हैं न्यूरॉन की, इसमें दो जो कैटेगरीज हैं उसमें एक में रिलीजिंग एबिलिटी है, एक में इनहिबिटरी एबिलिटी है, ठीक हो गया। और बाकी जो दो आप न्यूरॉन के सेल देख रहे हैं उसमें एक एंटी एडीएच रिलीज करेगा, दूसरा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। उनका दोनों का कनेक्शन इधर है पोस्टीरियर के साथ, तो सीक्रेशन यहाँ पे होगी, बाकी इसका कनेक्शन एंटीरियर के साथ है तो एंटीरियर से कंट्रोल किया जाए। समझ में आ गया यहाँ तक? बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग है, और इस तरीके से आगे हम इसको पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ये मैंने शॉर्टकट में बनाया हुआ है अभी वैसे। अब हाइपोथैलेमस हार्मोन जो सीक्रेटिंग हार्मोन है उनमें नाम दिए गए जैसे कि TRH, CRH,
एल एच आर एच एफ एस एच आर एच ये सारे जो हैं वो जी एच आर एच पी आर एच पी आर आई एच डी ए और इसके अलावा जी एच आर आई एच, ये शॉर्टकट नाम दिखे लेकिन असल में जब भी कोई किसी से काम लेना होता है ना तो स्पेशल तरीके से काम आता है, मतलब पिचुटरी ग्लैंड को रिलीजिंग हार्मोन आके कहता है कि आप काम करवाएं। अब किससे काम करवाएं, मतलब बाकी जो ग्लैंड है उनसे सीक्रेशन करवाएं तो सीक्रेशन किससे करवाने है, तो वो भी इंफॉर्मेशन वहां से आती है, किससे, हाइपोथैलेमस। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है टी आर एच, तो ये है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आर एच जिसके सामने लिखा हो ना, आर एच, आर एच का पूरा नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, और आई एच लिखा हो तो वेरी गुड, आगे जो है जिसको स्टिमुलेट करना होता है उसका नाम होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल थायराइड को स्टिमुलेट कराना है तो रिलीज कराना है थायराइड से तो डी आर एच, और असर उसके रोकना है तो, समझ में आ रहा है। अब ये हार्मोन अगर रिलीज होता है तो इसका मतलब है ये टी आर एच किसको स्टिमुलेट करेगा, पिच्यूटरी ग्लैंड को, पिच्यूटरी ग्लैंड को कहेगा, और टी आर एच पिच्यूटरी ग्लैंड को ये कहेगा कि आप क्या करें थायराइड से काम लें, थायराइड से आज काम लें क्योंकि थायराइड का काम हमें चाहिए। ये ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आई तो पिट्यूटरी ग्लैंड इस इंफॉर्मेशन के बदले में रेस्पॉन्स देता है, टी एस एच रिलीज करता है। क्या पढ़ाया आपने, टी आर एच के बदले में कौन आया, टी एस एच आया। अब ये कहां से आया, हाइपोथैलेमस से आया, और इस तरीके से इसके ऊपर एक्शन हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हुआ, टीएसएच। टीएसएच किसके ऊपर जाके एक्शन करेगा, थायराइड के ऊपर इसके कहने पे, और फिर थायराइड अपनी सीक्रेशन करेगा, और टी फोर टी थ्री जो आपने पढ़े हैं, पढ़ा है ना आपने, वो उसका पता है उसको क्या करना है। क्लियर, और इसी तरीके से यानी कि ये हो गया। अब यहां पे सीआरएच है तो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन अगर हम कहते हैं तो कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इसी तरीके से वहां पे रिलीज होगा जीएनआरएच, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरआईएच हो तो इनहिबिटरी हार्मोन। इसी तरीके से ये सारे आप देख सकते हैं लिस्ट है, हर ग्लैंड की सीक्रेशन कराने वाले हार्मोन के सामने एच आर एच लिखा होगा, और हर ग्लैंड की जो है वो इनहिबिटरी एक्टिविटी कराने के लिए आईएच लिखा होगा। आपके बुक में भी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया कि हाइपोथैलेमस से कौन से आरएच कौन से आईएच रिलीज होते हैं, और इस तरीके से ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, तकरीबन मोर देन 24 जो है उसके अंदर। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा नंबर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस। अब हमारे पास जो हाइपोथैलेमस से नीचे वाला जो इसका असिस्टेंट है उसको हम लेते हैं, और इस हवाले से अगर हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सेकेंड हार्मोन जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाज नोन एज मास्टर ग्लैंड, वाज नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसको पहले जब पढ़ा गया तो इसको मास्टर ग्लैंड का लेबल दिया गया क्योंकि ये कंट्रोल करता है बाकी ग्लैंड्स को। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इख्तलाफ है, कहते हैं कि इसको ये मास्टर ग्लैंड का लकब अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये खुद कंट्रोल हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद कंट्रोल हो रहा है तो इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड नहीं कहते। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कुछ बुक में ये इख्तलाफ है, कुछ में लिखा हुआ है कि इसको मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो आपके ऊपर है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं बिकॉज इट कंट्रोल दी सीक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रेशन का कंट्रोल किसके पास है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा है, और उसको यानी के हाइपोथैलेमस को रेगुलर ग्लैंड कहा जाता है, रेगुलर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड उसको भी नहीं कहा जाता, उसको रेगुलर ग्लैंड कहा जाता है, रेगुलेटर, सॉरी रेगुलेटर ग्लैंड।
इसी तरीके से डिफरेंट इसके अंदर सिचुएशन है। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से बात करें तो लोकेशन के हवाले से पहले बात है कि ये कहाँ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन, इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस बाय शॉर्ट। ये हमारे हाइपोथैलेमस से बिल्कुल कनेक्ट होता है। इस एरिया में ये वाला एरिया है हमारे ब्रेन का, और यहाँ पे ये वाले हिस्से को हम जूम करते हैं, इस हिस्से को, तो ये स्ट्रक्चर आ जाती है। इस हिस्से को हमने जूम किया तो ये स्ट्रक्चर आ गई। इसमें ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको हमने जूम किया तो ये आ गया, ये हाइपोथैलेमस है। इसके साथ बाय शॉर्ट कंडिबुलम से कनेक्ट होता है। इसके अंदर बोन होती है, साइड में से साइड बोन के अंदर रखा होता है, प्रोटेक्ट होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो लोब रखता है, एक एंटीरियर दूसरा पोस्टीरियर लोब्स। और इसी तरीके से ये खास करके दो लोब हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। मीडियन लोब मार्फोलॉजिकली नहीं दिखता, वैसे बाय शॉर्ट एनाटॉमिकली हम कह सकते हैं। कुछ वो भी इख्तलाफ रखते हैं कि इनको मीडियन लोब होता ही नहीं है, वो जस्ट उनका कनेक्शन है, तो इसीलिए इनके अंदर कोई लोब नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम तीन लोब पढ़ सकते हैं एनाटॉमिकली। यहाँ पे ये इसकी कट की हुई पोर्शन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। एंटीरियर लोब जो है उसके बारे में, कि इसके अंदर से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनकी लिस्ट क्या है। एंट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक है, दूसरा एंटी डायरेटिक, एंटी कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, मीडियन लोब से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर ग्लैंड लोब से एंटी डायरेक्ट हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये जो हमने लिस्ट बनाई है, ये कुछ हार्मोन की कैटेगरीज की बनाई है, ज्यादा समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिया है कि आपका ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, वो ट्रॉपिक हार्मोन के जरिए कंट्रोल करता है। ट्रॉपिक हार्मोन वो होते हैं जो दूसरे ग्लैंड को एक्टिव करते हैं। दूसरे ग्लैंड को एक्टिव करने वाले कैटेगरी को ट्रॉपिक कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप फलां ग्लैंड से काम लें, जैसे कि थायराइड ग्लैंड से काम लें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने तरफ से जो है वो एक हार्मोन बनाकर रिलीज करता है, वो जाके उस ग्लैंड को एक्टिव करता है जिससे काम लेना है। जैसे कि थायराइड से लेना है तो थायराइड को रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। तो इस तरीके से वो ये रिलीज करेगा, कौन सा, टीएसएच। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये टीएसएच किसके रिजल्ट में मिला, टीआरएच के रिजल्ट में। पढ़ा है ना आपने, टीआरएच जब आएगा हाइपोथैलेमस से तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक ट्रॉपिक हार्मोन बनाएगा, कौन सा, करते हैं उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, सही हो। और इसी तरीके से ये जो चार यहाँ पे आपको नाम बताए गए हैं ट्रॉपिक हार्मोन के, चार कैटेगरी। टीएसएच थायराइड पे एक्शन करेगा, थायराइड ग्लैंड है। एसीटीएच एड्रिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ये एड्रिनल एक्टिव करेगा, कॉर्टेक्स रीजन को एक्टिव करेगा ताकि वो अपने हार्मोन रिलीज करे। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हमारे अंदर ग्लैंड गोनेट्स को एक्टिव करता है, गोनेट्स को, मेल और फीमेल गोनेट्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेट। और एनएच जो है वो भी गोनेट्स के अंदर एक्शन करता है। ये दोनों एफएसएच फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट कराता है ताकि स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके और एग की प्रोडक्शन हो सके। और एलएच रिलीजिंग ऑफ एग, पढ़ा है ना आपने ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जिसमें एग रिलीज होता है, ओविडक्ट में आता है, उसी तरीके से एलएच का काम होता है। तो मतलब ये चारों हार्मोन जो आपको अभी बताए गए हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ट्रॉपिक। अच्छा, इसके अलावा इसके फंक्शनल हार्मोन भी हैं। ट्रॉपिक हार्मोन के अलावा जो फंक्शनल हार्मोन है उसमें कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये इसके अपने बनाए हुए दो फंक्शनल हार्मोन है।
ग्रोथ हार्मोन या इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये दोनों काम क्या करते हैं पढ़ने वाले हम। और मीडियल लोब से जो आते हैं वो एमएसएच और पोस्टीरियर में स्टोरिंग हार्मोन होते हैं, कौन से, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ये किसने बनाए हुए हैं, हाइपोथैलेमस से बनाए हैं, स्टोर इसने किए हुए हैं। ये आपके बॉडी के अंदर यानी कि ये ब्लड स्ट्रीम है, ये इसके सेल हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल हैं जो इसके अंदर पड़े हैं, एंडोक्राइन सेल कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से ये जो है वो जाती है इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि एंडोक्राइन की सीक्रेशन सारी किसमें होती है, ब्लड स्ट्रीम में। तो इसी तरीके से ये पोस्टीरियर लोब में जो हमारे हार्मोन रिलीज करते हैं जिसमें स्टोर होते हैं फिलहाल, फिर इसके अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा प्रोडक्शन एंड फंक्शन, यानी कि अभी इन सारे हार्मोन का प्रोडक्शन और फंक्शन, यानी कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं तो उसका एंटीरियर लोब बड़ा होता है, पोस्टीरियर लोब छोटा होता है। अब यहाँ से ये हार्मोन आ रहे हैं एसीटीएच, जीएच, एमएसएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ये सारे डिफरेंट हमारे एरियाज में जाते हैं, इन एरियाज में जाके एक्शन कराते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये हार्मोन किस तरीके से आते हैं देखे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ACTH, तो ACTH कहाँ एक्शन करेगा, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ आउटर पार्ट ऑफ कार्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसका ये इनर मेडुला है, बाहर वाला हिस्सा इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। तो ACTH जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आके इसको एक्शन करता है, तो एक्शन करता है जिससे ये अपनी प्रोडक्शन बनाता है, ठीक हो गया इस तरीके से। इसके बाद है कौन सा हार्मोन, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारे मसल्स और बोन के ऊपर एक्शन करता है, मसल्स और बोन के ऊपर एक्शन करेगा। तो मसल और बोन क्या करेंगी, इंक्रीज इन साइज, हम लेंथ में बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, साइज बढ़ती है, वो इसकी वजह से। इट रेगुलेट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंड कंट्रोलिंग मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि मसल्स, मसल्स को सॉफ्ट टिश्यू कहा जाता है। तो इसको ऊपर एक्शन करेगा जिससे ये हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद एमएसएच, एमएसएच दिस हार्मोन कंट्रोल डार्कनिंग ऑफ द स्किन मेनी वर्टिब्रेट्स, ये हमारे स्किन के ऊपर एक्शन करता है जिससे मेलाटोनिन एक पिगमेंट जो है रिलीज कराता है, ये अकॉर्डिंग टू लाइट की शेडिंग कितनी है, डार्कनेस कितनी होनी चाहिए, तो स्किन को रेगुलेट है। उसके बाद हार्मोन है खास करके क्या, टीएसएच, टीएसएच ये थायराइड ग्लैंड है, गले के अंदर होता है, उसके ऊपर एक्शन करता है और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन रिलीज कराता है। उसके बाद एफएसएच इन फीमेल, अगर हम फीमेल के अंदर देखते हैं तो ओवरी, मेल के अंदर देखते हैं तो टेस्टिस। FSH female stimulate the follicle developing secreting estrogen female में from the ovaries. In male stimulate development of the germinal epithelium testis to production of sperm की production कराने के लिए ये release होता है। इसके बाद क्या है, LHB यहीं पे एक्शन करता है, किस पे, टेस्टिस एंड ओवरी पे। और इसी तरीके से स्पर्म की टेस्टोस्टेरोन से प्रोडक्शन और फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन करने में मदद करता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन दिस हार्मोन स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड फीमेल के अंदर, खास करके मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। प्रोलैक्टिन का मतलब है कि ये मिल्क प्रोड्यूस कराता है, मिल्क प्रोड्यूस कराता है, तो दिस हार्मोन स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एक होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एक होता है रिलीजिंग ऑफ मिल्क। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किसने कराई, प्रोलैक्टिन है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन फंक्शनल हार्मोन है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये मेमोरी ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड है लेकिन वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्या है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन फंक्शनल ग्लैंड होते हैं। और इसी तरीके से ये ऑक्सीटोसिन भी इसी के ऊपर एक्शन करता है, इट स्टिमुलेट द कंट्रेक्शन ऑफ मसल ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड रिलीजिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। खास करके जो है उसके दो काम ऑक्सीटोसिन की, एक एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बच्चे की बर्थ हो रही होती है तो ये यूटेरस के ऊपर एक्शन करता है जिससे वाइब्रेशन ज्यादा होती है, और एक पेन होता है जिससे बच्चे वाइब्रेशन के दौरान रिलीज होता है। बच्चे की बर्थ कराने का काम ऑक्सीटोसिन का, और इसी तरीके से मिल्क रिलीज कराना जब बच्चा सकलिंग करता है दूध के लिए तो उस दौरान ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और ये क्या करता है दूध को रिलीज कराता है। और इसी तरीके से लास्ट में है एडीएच, इट स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ट्यूबुल्स एंड किडनी एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन पास, ये पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, किडनी को परीक्षण करता है। इसी तरीके से ये आपने पढ़ा, ठीक हो गया, डिफरेंट एरियाज के ऊपर एक्शन करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड।